बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहूँगी मैं सिटी 810 में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और धुंध शहर को अपनी लपेट में लिए हुए है। आज सुबह धुंध थी मुख्तलिफ जगहों पर, इवन टाइम गुजरता जा रहा था लेकिन धुंध जो है वो बरकरार थी और सूरज ने अभी तक अपना मुखड़ा जो है वो दिखाया नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही प्रडिक्शन की जाती है कि 23 दिसंबर के बाद से बारिशों का स्पेल जो है वो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले धुंध रहेगी, सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। हम शामिल करेंगे वेदर अपडेट्स टुडेज वेदर में। फखर हमारे साथ मौजूद है। फखर, बताइएगा शहर लाहौर का मौसम आज कैसा रहेगा? आज बिल्कुल मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता कुछ दिनों से शहर में धुंध का राज है और मौसम भी शदीद सर्द जो है होता नज़र आ रहा है। आज भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, जबकि आज जो बादल हैं वो भी इसी तरह से जो जो धूप है वो भी जो है लेट निकलने के इम्कान जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। धुंध की वजह से काफ़ी जो है डिस्टर्बेंस रही है शहरी मामलात में। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है, मोटरवेज भी सुबह से बंद रही हैं और अब से कुछ देर पहले ही मोटरवेज को खोला गया है। जो फ़्लाइट शेड्यूल है वो भी धुंध की वजह से काफ़ी जो है काफ़ी हद तक मुतासर नज़र आ रहा है। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि जो धुंध का सिलसिला है मज़ीद आने वाले दिनों में जारी रहेगा और रवां हफ्ते अगर अब बारिश हो जाती है तो कुछ हद तक आर्जी तौर पर जो धुंध का सिलसिला है उसमें जो है कमी वाकिया हो सकती है। अलबत्ता आने वाले दिनों में बारिश की कोई ख़ास इंडिकेशन जो हैं वो जारी नहीं की जा रही। 3 या 4 रोज़ के बाद जो है माइनर इंडिकेशंस कुछ हद तक इम्कानात बारिश के हैं, लेकिन वो भी कोई ख़ास जो है इंडिकेशंस उसकी भी जो है नहीं बताई जा रही। जबकि हवा में जो नमी का तनासब है वो 92% बताया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह खुश्क और सर्द जो है वो रहने के इम्कानात हैं। जी फखर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, वेदर अपडेट्स दे रहे थे। इसी के साथ आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे और देख लेते हैं डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी क्या है। रावी किनारे शहर बसाने का मंसूबा, 14 लाख घर तामीर होंगे। चूनिया केस के मुलजिम को 3 बार सजाए मौत, उम्र कैद और 32 लाख जुर्माना। कश्मीरियों के साथ है भारत का मुतनाजा शहरियत बिल, इंसानी हकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है सरदार उस्मान के साथ। और ले जी, शहरियों पर गैस पंप, गैस 200% महंगी करने की तैयारियां मुकम्मल। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडियो में। हमारे साथ सिर्फ आई2 के सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है इरफान? सिविल ठीक ठाक, लेकिन मौसम ठंड बड़ा जबरदस्त हुआ है। आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं रास्ते में भी ट्रेवल करके आ रहा था तो मुझे एक चीज बड़ी मैं फोकस कर रहा था कि आप देखें कि जब सर्दी बढ़ती है तो उसमें आप मोटरसाइकिल के जो ट्रैफिक हादसा आते हैं वो बढ़ जाते हैं। वैसे भी ओवरऑल अगर आप बात करें तो शहर में जो हादसा पेश होते हैं रूनमा होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं जो उसका निशाना बनते हैं हादसा का, लेकिन सर्दियों में ये हादसा की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह ये है कि आप देखें जितने भी आप मोटरसाइकिल सवार नज़र आएंगे आपको वो पूरा अपने आप को उन्होंने कवर किया होगा, हेलमेट पहना होगा, उसके साथ मफलर भी लपेटा होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल उनको उनका साइड व्यू जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और साइड व्यू ब्लॉक होने की वजह से उनको जो स्पीड लाइन है उसके अंदर वो आ जाते हैं जिसकी वजह से हादसा रूल। ये बिल्कुल सही बात है, खास जो लोग गाड़ियों में हैं, हाँ, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और ऊपर से आप देखें जैसे अभी भी आपको वेदर की अपडेट बता रहे थे फखर, अभी तो आप बड़ा खुश हो रहे थे फखर के बैकग्राउंड देख के, बैकग्राउंड देख के इतनी सारी धुंध है, तो उस धुंध में अगर आप सोचे कि जब आपको गाड़ी चला रहे होंगे तो आगे से आपको अचानक पता चले कि हाई स्पीड लेन के अंदर एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो लपेटा हुआ वहां पे फिर रहा है, तो उसमें आप देखें कि उसके साथ आप क्या कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता है। बिल्कुल सही, तो इसमें इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल करें, घरों से थोड़ा पहले निकल आए तो वो जिसे कहते हैं कि बेहतर रहता है आपके लिए। देर से जाना
ना ना जाने कभी से ना जाने, बेहतर। कभी ना पहुंचने से बेहतर है। और ट्रैफिक जाम भी अगर हो रही है तो प्लीज़ 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 अपनी लेन और लाइन का ख्याल खास तौर पर रखें, क्योंकि गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें। मुसलसल 3 रोज़ से मोटरवे, पुलिस के जो तर्जुमान है वो ये कह रहे हैं, और धुंध की वजह से मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद बिल्कुल किया सिमल, ये क्योंकि आप देखें ये इस वक्त जो टाइम चल रहा है इसमें धुंध आपको शाम 5-6 बजे के करीब से आपको पड़ना शुरू हो जाती है, और उसके बाद अगर धुंध का जो टिनोर ख़त्म होता है तो वो 12-1 बजे के बाद जाके होता है। तो इतना लंबा टिनोर जो है वो उसका अगर धुंध पड़ेगी तो उसमें हादसा जो है वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या जो करें, कहीं जो और तैनात नहीं कर दें नहीं धुंध नहीं 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 को। आपने बिल्कुल बात ठीक की कि इस धुंध के दौरान अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप रूल्स को फॉलो करने से हादसा के ऊपर काबू पा सकते हैं, बिल्कुल अपनी सही कहा, जान को भी बचा सकते हैं, जो दूसरे की जान किसी को खतरा है उसको भी आप उसको बचा भी सकते हैं। बचा सिर्फ सकते रूल्स हैं। फॉलो कर लें और उसमें अपनी जो फोग लाइट है उसका इस्तेमाल करें, स्पीड को कंट्रोल करें, तो मैं समझता हूँ कि आप इस वेदर को इंजॉय भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये सही, कि इस वेदर में लेकिन आप इरफान आप इतना एंजॉय ना करें, थोड़ा गर्म कोट या जैकेट पहन कर आया करें, वो आपको महफूज रखेगा, छुट्टियां भी नहीं करेंगे आप ऑफिस से और काम भी करते रहेंगे। अच्छा जी, हम चलते हैं अपनी आज की लीड स्टोरी की तरफ। रावी किनारे शहर बनाने का मंसूबा, 14 लाख घर तामीर होंगे और इस रिवर रावी प्रोजेक्ट को भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में दाखिल किया जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले दौरे हुकूमत में भी एक ऐसा मंसूबा था जिस पर काम हो रहा था लेकिन मुकम्मल नहीं हो सका, अब ये भी रावी किनारे शहर बसा रहे हैं। सिमल, हम अक्सर बात करते रहते हैं कि इस हुकूमत के पास अपना करने के लिए कुछ नहीं है, अपने कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। तो यही एक मैं भी ये भी समझता हूँ कि ये एक बेहतर चीज़ है कि आप अगर पिछले दौरे हुकूमत में कोई अच्छे प्रोजेक्ट थे उनको आप कैरी करें, उनके ऊपर वर्किंग करें, हाँ ये एक ये अच्छी ना चीज है, देखें, ये ना देखें कि वो किस हुकूमत के थे, ये ना देखें कि वो उससे वो किसी और लगाई गवर्नमेंट, जाए अपनी तख्तियां, कोई बात हाँ नहीं, अवाम तख्तियां को लगाएं, बताएं, कोई आप बात नहीं। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हाँ देखें, हुकूमत का मकसद होना चाहिए अवाम को रिलीफ देना। इस प्रोजेक्ट से भी अब 2015 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जी था किया गया था जिसके अंदर 14 लाख से ज़्यादा घर वहाँ पे तमीर होने थे। पहले भी यही प्रोजेक्ट था, इसके अंदर भी 14 लाख। और इसमें एक और मज़े की चीज़ ये है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जी, तो उसके बाद जो इन्वेस्टर्स थे, और उसमें बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो मौजूदा हुकूमत में भी मौजूद हैं, बहुत से इन्वेस्टर ऐसे थे जो साबका हुकूमत में भी मौजूद थे, उनकी तरफ से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी। जो लाखों एकड़ जो ज़मीन थी वो उन लोगों की तरफ से ले ली गई थी, और अभी भी वो प्रोजेक्ट जो है मुझे लग रहा है कि अगर इसको प्रॉब किया जाए तो इसमें आपको वो लोग भी सरगर्म नज़र आएंगे जिनकी तरफ से वहाँ पे जो सारी इन्वेस्टमेंट कर दी गई थी। बिल्कुल क्योंकि जब ये इन्वेस्टमेंट हुई तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो था नागुजीर वजूहत की बिना पर साबका हुकूमत जो है इसको कंप्लीट नहीं कर पाई, और ये प्रोजेक्ट जो है वो ना कंप्लीट होने की वजह से उन लोगों को भी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब अगर ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होगा तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स थे वहाँ पर उनको भी फ़ायदा होगा और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। आप देखें शहर में, अगर आप देखें तो पहले शहर आपका बड़ा बड़ा तो रायवंड रोड के ऊपर, मुल्तान रोड के ऊपर, जब रायवंड और मुल्तान रोड पे आप जगह आपको तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो आपको मुकम्मल नज़र आती है। इसके बाद फिरोजपुर रोड पे जानी शुरू होगी दुनिया, या शेखुपुरा रोड के ऊपर। शेखुपुरा रोड क्योंकि लाहौर से बाहर चला जाता है तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि शहर के अंदर जो है वो अपने घर बनाएँ या इन्वेस्टमेंट करें। तो फिरोजपुर रोड के ऊपर भी आपको इतनी जगह मैसर नहीं है, तो इसके लिए जो रावी का ये एरिया है इसके ऊपर रावी जो व्यू पार्क वगैरह और इस तरह की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं जी, ये बननी चाहिए ताकि लोगों को ये एरिया जो है वो काफ़ी बैकवर्ड एरिया अच्छा, कहलाता इसमें था। एक चीज जो बड़ी जबरदस्त मुझे लगी वो ये है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो फोकस किया जाएगा, जो आबादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर, क्योंकि 500 किलोमीटर का एक रोड नेटवर्क और रोड मैप भी बनाया बिल्कुल जाएगा, लेकिन जरे जमीन को नहीं छेड़ा जाएगा, उसको बाकायदा बहाल रखा जाएगा और उसके तहफ्फुज़ पर जो फंड्स हैं वो भी खर्च किए जाएंगे। सीमल, इसमें एक और चीज़ भी देखने वाली है, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इसमें ये बात भी सामने आई थी क्योंकि दरियाए रावी के किनारे के ऊपर ये सारा शहर आबाद किया जाना था, तो दरियाए रावी का जो बहुत सा एरिया कट कर अब वो जगह जो जहाँ पे ये पार्क बनाए, ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी या यहाँ पे वर्किंग की जाएगी, तो ये वो एरिया था जो दरिया के अंदर आता था, लेकिन दरिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख बदलना शुरू किया तो इस वजह से भी ये एरिया जो है वो काफ़ी वकेट हो गया। तो अब इसमें जो ये बात है कि जो ज़रई ज़मीन है उसको छेड़ा नहीं जाएगा बल्कि उसके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ंड इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और पहले भी यही चीज़ फोकस की गई थी कि जो एरिया रावी दरिया से हट गया है हम उसको यूटिलाइज करें, ना कि हम जो वहाँ पे दही इलाके हैं या ज़रई ज़मीन है
उसको हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। तो उसमें भी ये देखा गया था कि दही जमीन जो है उसको ना इस्तेमाल किया जाए, जो दरियाई जमीन मुझे है पता है उसको क्या इस्तेमाल लग रहा किया। है इरफान, इतनी मायूसी हुई है इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को कि इसको पूरे शहर में कहीं जगह नहीं मिल रही है। आपको याद होगा हरबंसपुरा में भी जमीन मांगी गई थी, इनकार कर दिया गया। एलडीए से अराजी मांगी गई एक जगह पे, वो भी इनकार कर दिया गया। अब कल जो इजलास हुआ है टाउन प्लानिंग का, उसमें जो पूरी एजेंसी ने इजलास किया है, इस मनसूबे के एजेंडे को उसमें शामिल ही नहीं किया गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को लाहौर में अराजी नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा ये जो रिवर रावी हाउसिंग स्कीम थी इसको शामिल कर दो, कम से कम एक टैग तो लग जाए लाहौर में, मुझे ये लग रहा है। सिमल ये बात भी ठीक है, जो हम पहले बात कर रहे थे कि साबका हुकूमत के जो प्रोजेक्ट हैं अगर उनको आप कैरी करेंगे, उनको लेके चलेंगे, तो ये ना सोचें कि ये हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा पहुंचेगा, जी ये सोचें कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर अच्छा प्रोजेक्ट है उसको कैरी करना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पे बिल्कुल आपने सही। वर्किंग की, अगर हरबसपुरा में आपको जगह नहीं मिली, ठीक है नहीं मिली, जगह नहीं होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चाहिए कि इन चीज़ों को ऊपर जो वर्किंग स्पीड अप करें। है वो काम हाँ होना चाहिए। अच्छा, स्पीडी काम इसमें है। देखिए एक चीज जो मुझे बड़ी खुशाइन लग रही है इस गवर्नमेंट की तरफ से, अब डेडलाइंस आना शुरू हो गई हैं और ये एक अच्छी चीज है। इससे पहले भी बाबे पाकिस्तान और बाबे लाहौर के मंसूबे के हवाले से जो ठोकर न्याज बेग पर बनाया जा रहा है, एक डेडलाइन दी गई कि हम इसको 20 जनवरी से पहले पहले इसका काम जो है वो तामीराती काम मुकम्मल कर लेंगे। एक मोरिया पुल की तामीर नौ और तौसी का जो मनसूबा है उसके लिए भी डेडलाइन दे दी गई 31 मार्च। थोड़ी डिलेड डेडलाइंस दी जा रही है लेकिन दी जा रही है, एटलीस्ट दे आर नाउ एक्टिव, मुझे ये लग रहा है। सिमल एक्टिव तो वो पहले से भी हैं, पैसे पहले हैं, मैं जी ये कह रहा हूँ एक्टिव तो वो पहले हैं, लेकिन एक्टिव होने से जो काम ना होना इसमें बड़ा फर्क है। आप एक्टिव हो, काम ना हो तो आपके एक्टिव होने का भी कोई फायदा नहीं है। आप एक्टिव पैसे ना होने से हो काम नहीं काम, चलेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, ये देखें ये सूरत हाल जो आप बता रहे हैं, एक मोरिया पुल की तमीरे नौ के लिए 31 जो मार्च की डेडलाइन दे दी हाँ गई, यही डेडलाइन जो है आपको पहले आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन में नजर आई, बाबे पाकिस्तान में नजर आई और हाँ बहुत अब से ऐसे मेरी आप प्रोजेक्ट थे उम्मीदें आपको मत उसमें। तोड़िए, नहीं लाहौर में भी मैं ये उम्मीदें नहीं लगाई बात है कर इस रहा, मैं हुकूमत ये से कि बात कर रहा गुलजार हूँ, हुकूमत शायद अब काम करना शुरू हो नहीं जाएगी। काम करे, काम करे, काम करेगी तो हम लोगों को ही लिए फायदा है या आवाम का बिल्कुल ही फायदा है। हम ये किसी एक एक किसी का एक घर नहीं बनना, किसी का जो एक उसका अपने फैमिली का जो प्रोजेक्ट नहीं है, ये आवाम का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही। आवाम और का अगर आप प्रोजेक्ट है। आवाम के अगर लिए आवाम काम के लिए करेंगे काम तो आवाम करेंगे, आपको याद रखेगी, बिल्कुल और अगर आप काम नहीं करेंगे तो जो आपके साथ खड़े हैं वो भी आपका साथ छोड़ जाएंगे। बहरहाल जी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अदालत ने चूनिया केस के मुलजिम को 3 बार सजाए मौत, उम्र कैद और 32 लाख रुपए जुर्माना किया है। जी इरफान, क्या कहेंगे इस पर आप? सिमल, यही कहेंगे कि ऐसे जो दरिंदे हैं, ऐसे जो हैवान हमारे माशरे में मौजूद हैं, इनको इससे भी अगर कोई कड़ी सज़ा हो तो वो देनी चाहिए। क्योंकि आप देखें मासूम बच्चों के साथ ये जिनसी तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाते हैं और उसके बाद अपनी हवस को पूरा करने के बाद उनको जान से मार देते हैं। आप जैनब के केस आपको याद होगा, अब ये चूनिया के अंदर ये केस जो सामने आया, इसमें अब मुलजिम को सज़ा हुई। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के वाक़यात में सजाएं होने के बावजूद क्यों जो वाकयात में कमी में कमी नहीं कमी आई। क्यों नहीं आ नहीं, रही? अच्छी बात है ना, ऐसी सजाएं मंजर आम पर आनी चाहिए, इबरत का निशान बनाया इब्रत, जाना मैं वही चाहिए उन बात कर रहा हूँ मुजरिमों सीमल, को। इनको इबरत का निशान बनाया जाए। जब आपको याद होगा जैनब का केस हुआ था कसूर में, तो उस वक्त एक बड़ी मूव चली थी कि जैनब का जो कातिल है इमरान, इसको सरेआम फांसी दी जाए। लेकिन उस वक्त इसके ऊपर जो है वो सोच जैनब विचार के भी की वालिद की गई, तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी और फिर उसको नहीं उस तरह से और उसके कोऑपरेट बाद आप करना देखिए था। कि जैनब के वालिद जो है उसके जब ये उसको सजा होगी तो उसके कई अरसा बाद भी वो इस केस के ऊपर लड़ते रहे कि ऐसे जो मुलजमान हैं उनको सरेआम सजा दी जाए। और ना होने की वजह से आप जब हमने लाहौर का डाटा चेक किया, लाहौर में क्या इसकी सूरत हाल है जैनब कत्ल केस के बाद, तो आपको ये सुन के हैरत होगी कि जैनब कत्ल केस के बाद से लेकर अब तक ऐसे वाकयात में कमी नहीं बल्कि इजाफा ही हुआ है। तो इसके लिए हमें बतौर माशरा, बतौर जो पेरेंट्स जो हैं, टीचर्स, इन सबको हमें जो काम करना होगा, अपना अपनी अपनी रोल प्ले करना जिम्मेदारियां अदा होगा। करनी होंगी। अच्छा इरफान, उसके कहीं बाद ऐसा तो नहीं है ये वाकयात पहले रिपोर्ट नहीं होते थे और अब रिपोर्ट होना शुरू सिमल हो गए बात हैं? यही है कि ऐसे वाकयात पहले रिपोर्ट नहीं होते थे और उसमें जान से मारने के वाकयात ये भी कम थे। लेकिन आप देखें कि ये वो अरसा है, पिछले अगर 3-4 साल ले लें तो इसमें आपको
बच्चों को जिंसी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनको कत्ल करने के वाकयात में भी इजाफा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि जब ये ऐसे वाकयात पेश आते होते हैं तो उसमें जो मुलजिम है, मुलजिम की तरफ से हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है कि वो अपनी शनाख्त जो है वो उसको छुपा ले। तो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए वो इंतहाई कदम पहले उठाता है कि उन बच्चों को मार देता है और उसके बाद उनकी लाशों को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे भी आपको यही चूनिया को जो केस है इसमें भी आप देखें, इस मुलजिम ने जो चार बच्चे थे उनके बारे में भी यही बताया जा रहा था कि उनकी लाशें जो हैं वो बाद में एक घड़े से मिलती रही हैं। एक टीला नुमा एरिया था जहाँ पे वो उसमें एक छोटा सा वहाँ पे सुरंग सी बना के उसके अंदर उसने लाशें रखी थी। तो इस कदर जो वैश्याना इकदाम है, इस कदर जो दरिंदा सिर्फ लोग हैं, इनके लिए मैं समझता हूँ लेकिन ये बहुत खुशाइन है कि अदालतें इन केसेस को प्रायोरिटी पर रखकर स्पीडी ट्रायल कर रही हैं। स्पीडी ट्रायल हो रहा है। 16 सितंबर 2019 को चालान पेश किया गया था और आप देखिए 17 दिसंबर को इस मुजरिम को, इस दरिंदे को सजा हुई। तो ये एक अच्छा और खुशाइंद इकदाम है। दूसरा जो पहलू है उस पर भी आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की कि हमें एक तो अवेयरनेस की जरूरत है, हमें अपने बच्चों से इस बारे में करने की जरूरत है, बच्चों को विजिलेंट करने की जरूरत है। थोड़ा हम डर जाते हैं इस तरह के टॉपिक्स पर बात करते हुए। हमारा माशरा हमें इजाजत नहीं देता, बताना पड़ेगा, हमारा माशरा हमें इजाजत नहीं देता। लेकिन जब आप ऐसे वाकयात जो बढ़ते जा रहे हैं तो आपको उसकी रोकथाम के लिए इन टैबूज को तोड़ना पड़ेगा, ये टैबूज को तोड़ना पड़ेगा और हमें बच्चों से बात करनी होगी। हमें अपने जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को खसूसी तौर पर, और टीचर्स जो हैं इनको आगे आना होगा, इनको इकदाम करने होंगे, इनको अपने बच्चों को एतमाद में लेना होगा। खबरें देखने के बाद इरफान ये भी लगता है कि सिर्फ बच्चियां यानी कि लड़कियां, छोटी बच्चियां हो या बड़ी हो, वो गैर महफूज नहीं है, छोटे छोटे बच्चे। अब इसने 4 साल फैजान को ज्यादती के बाद कत्ल किया और उसके अलावा 3 और केसेस थे इसके ऊपर। खैर अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को जो है वो महफूज रखे, लेकिन वही बात कि हम सबको अपना रोल प्ले करना होगा, अदरवाइज इस तरह के वाकयात की रोकथाम नहीं हो सकेगी। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तैयार हो जाएं जी, हुकूमत ने एक और बम गिराया है गैस बम के नाम से। 200% महंगी करने की तैयारियां, जिनका 400 रुपए बिल आता था अब 1600 रुपए आएगा। तो वो लोग शायद सोच रहे होंगे कि या तो गैस इस्तेमाल करना बंद कर दें, या वैसे ही गैस नहीं आ रही होगी क्योंकि आजकल प्रेशर नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रही होगी तो सोच रहे होंगे कनेक्शन काट दें, क्योंकि इतनी महंगाई एक गरीब आदमी की पहुंच से तो बाहर हो गई है। इरफान क्या कहेंगे आप? जी बिल, मुझे वजीर आजम पाकिस्तान का भी बयानिया याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा मत करें, ये मेरे आदमी हैं, महंगाई कंट्रोल करने के लिए मत याद करें, मत याद करें उनके बयान, भूल जाएं, वो खुद भी भूल गए। मैं वही सोच रहा हूँ कि वो कहाँ पे हैं इकदाम जो महंगाई कंट्रोल करने के लिए किए जाने थे, आवाम को रिलीफ दिए देने के लिए किए जाने थे, जिसमें कभी हमें गैस जो है 200% महंगी हो रही है। अब देखें इस साल के दौरान, ये 14 माह के दौरान 333% गैस जो है वो बढ़ चुकी है। अब अंदाज़ा करें कि एक शख्स जो घर में जो चूल्हा जलाता है उसको बिल अगर देना पड़ेगा 2000 से 2500 रुपया, तो वो कैसे करेगा। इसी तरह जो 90% टैरिफ जो सार्फीन है उनको इसके अंदर इफ़ेक्ट होगा, वो लोग सारे हैं उनको गैस जो 200% महंगी मिलेगी। तो मैं तो सोच रहा हूँ वाकई आपकी बात ठीक है, या तो गैस जो है इसको कटवा दे, या फिर हम वो पुराने दौर में जाए, लकड़ियाँ लेके आए और जंगल से जाके लकड़ियाँ इकट्ठी करके। अच्छा चलिए, आप मुझसे पूछे, मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ? अभी ब्रेक में हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ? क्योंकि मेरे घर में गैस का कनेक्शन ही नहीं है और मैं इस हवाले से खुश हूँ। मैं ऑलरेडी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करती हूँ और गैस का कनेक्शन नहीं है, और मैंने एक दो दफा सिप्रा साहब से रिक्वेस्ट की कि गैस का कनेक्शन लगाना है, मुझे जरा प्रोसीजर बता दें। उन्होंने कहा ठंड रख, सुकून रख, सस्ती जा रही है, बहुत महंगी हो जाएगी। मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने नहीं लगवाया। अब आप देखिए 50 रुपए के यूनिट का रेट 121 रुपए हो जाएगा। गैस प्रेशर जरा भाभी को फोन करके पूछे, घर में आपको बताएंगी कि कुछ टाइमिंग्स हैं जिनमें गैस सीमन, प्रेशर मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। उसमें जब आप सुबह नहाने के लिए उठते हैं तो आपको पता लगता है कि गीजर तो चल ही नहीं रहा। मेरे घर इलेक्ट्रिक गीजर है, उस पे भी ये लोग अब देखिएगा कैंपेन्स चल रही हैं। इलेक्ट्रिक ही जो गीजर चलाना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, जितना बहुत महंगा काम है। ना दुखती रगों पे हाथ रखें, लेकिन मेरी बात सुने, अब ये गैस महंगी सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए नहीं हुई है। नहीं, ये 90% जो टैरिफ नॉन बायर एसोसिएशंस की तरफ से बाकायदा प्रोटेस्ट
जो है वो रिकॉर्ड कराया गया कि अगर गैस महंगी होगी उसका इम्पैक्ट हर चीज़ के ऊपर आएगा, वो रेस्टोरेंट्स में खानों की सूरत में, जाहिर है गैस महंगी हुई है उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर भी आएगा। एक सादा रोटी एक नान लेते हुए भी तंदूर मालिकान जो है वो अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि रोटी और नान की कीमत तो ये बढ़ाने नहीं देते, कीमतों में इजाफा मुसलसल किए जा रहे हैं। वो बढ़ाए ना बढ़ाए, जिन लोगों के घरों के इस्तेमाल में है वहाँ पे देखे कितना उसके जो बजट के अंदर वो डिस्टर्ब होगा, जब आपको 200% जो है वो चीज महंगी मिलेगी तो उसमें किस तरह वो गुजारा गुजारा कर फिर सकेंगे। ये करें कि फिर एक और चीज, कम यूनिट इस्तेमाल करें, क्योंकि 200 से 300 यूनिट वाले सार्फीन को सस्ती गैस मिलेगी, 300 से जैसे ही आप क्रॉस करेंगे गैस की कीमतों में 200% इजाफा। सीमल ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देखें कि गर्मी सर्दी है, सर्दी में आपका हीटर का इस्तेमाल हो रहा है, सर्दी के अंदर गीजर का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा वो कहते हैं, कल हमने एक उनकी कैंपेन चल रही है सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की, और उन्होंने कहा कि गर्म कपड़े सर्दी से बचाते हैं और हीटर का इस्तेमाल आप ना करें। सिमल ये तो वही बात होगी ना कि आप कहें कि आपके पास पानी पड़ा है लेकिन आप पिए ना, ताकि ये बचा रहेगा आपके पास, पानी को बचाएं आप। तो अगर घर के अंदर सर्दी है, बच्चे बच्चे बीमार हैं, बच्चों को आपने ठंड से बचाना है, तो आपको डेफिनेटली गैस हीटर चलाना ही पड़ेगा। अगर गैस हीटर नहीं चलाएंगे तो आप एसी का हीटर चलाएंगे, तो उसमें जितना बिल आएगा तो वो आप सोचेंगे कि वैसे ही हमारे पसीने छूट जाएंगे। तो इस गवर्नमेंट को मुझे सिर्फ ये बताएं इरफान, ये तो लाइटर नोट पे हम बात कर रहे थे, इस गवर्नमेंट को जरा एहसास है आवाम सिमल का? बिल्कुल नहीं है। किस तरह चक्की में पिसते चले जा रहे हैं, जिस तरह ये महंगाई की रेशो बढ़ती जा रही है। मुझे अपोजिशन का जो बयानिया था कि हुकूमत जो है वो इस वक्त IMF जो कंट्रोल कर रहा है वो याद आता है, और पहले हम उसको लाइटर टोन में लेते थे कि ये सिर्फ ब्लेम गेम जा रही है, लेकिन अब जो सूरत हाल लग रही है लोगों को वाकई एहसास होने लग पड़ा है कि वाकई ये IMF जो है इसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि IMF अभी तक आपके जो IMF का पैरामीटर्स हैं उसके आवाम का रिलीफ खत्म करो, आवाम का रिलीफ सब्सिडी खत्म करो, किस चीज पे आपने उसी के ऊपर दी है, उसी के ऊपर आप देखिए अब तक कीमतों में कितना इजाफा हुआ, गैस की कीमतें कहां जा रही है, पानी का टैरिफ आपने बढ़ा दिया, अब तो ये हम यूटिलिटी बिल्स की बात कर रहे हैं, सब्जियां फल दालें अशियाए खुरनोश तो वैसे ही महंगी हो गई है, फिर वजीर आला स्टेटमेंट देते हैं मस्नूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वजीर आजम असल महंगाई करने वालों के खिलाफ क्या करेंगे ये भी बता दें। सिमल वो एकदम आज यही होंगे कि हमें हर महीने में 3 दफ़ा 4 दफ़ा इस तरह के बयानात सुनने में मिलेंगे कि वज़ीर आज़म की तरफ से या वज़ीर आला की तरफ से जो एक कमेटी बना दी गई है जो महंगाई को कंट्रोल करेगी, जो आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करेगी। मुसलसल ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर बयानात आ रहे हैं वजीर आला के, वो पिछले दौरे हुकूमत के हवाले से ही है, साबका दौरे हुकूमत ने ये किया, शोबाजियों में ये हुआ था, माजी के आवाम को उसकी साफ वजह है कि जब आपके पास आपको ये जब आपके पास कोई काम करने के लिए नहीं होगा तो आप अपना जो उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने बैठने के यहाँ पे जवाब को जस्टिफाइज करने के लिए इसी तरह करेंगे कि आप सबका हुकूमतों के उसके जो इकदाम हैं उनके अंदर कीड़े निकालेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने एक बीच में शोशा छोड़ा है ना 200 से 300 यूनिट वाले सार्फीन, ये 10% भी नहीं है। सीमल मैं वही आपसे कर रहा हूँ कि 90% जो गैस सार्फीन है वो इस महंगाई से मुतासर होंगे, सिर्फ 10% लोग होंगे जिनके ऊपर नहीं पड़ेगा या उनको जो है वो गैस सस्ती मिलेगी, गैस सस्ती उनको भी नहीं मिलनी। अगर आप ओवरऑल चेक करें तो 333% ऐसी प्लानिंग तो नहीं है, सब्जियां दालें फल और ये तमाम चीजें अशियाए खुरनोश आटा चीनी चावल सब महंगा हो गया, तो गैस भी महंगी कर दो, खाना पकाओ ही ना। सीमल ये मुझे लग रहा है कि आपको जो है वो जंगल के दौर में लेके जाना चाहते हैं कि वहां पे आप सब्जियां वहीं से तोड़ें वहीं से पकाएं, वहीं से कच्ची खा लें क्योंकि गैस तो वहां भी नहीं होगी, या लकड़ी जला लें। देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसके इम्पैक्ट जो है वो और वाज़े तौर पर सामने आना शुरू हो जाएंगे और डेफिनेटली आवाम का रद्दे अमल तो सामने आएगा ही। इसी के साथ एक और खबर मैं डिस्कस करना चाहूंगी, लाहौर समेत सूबे भर के स्कूलों में 71,000 असातिज़ा की कमी है, जो एक एक बहुत बड़ा फिगर है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और बताएंगे, रनवे पर हद निगाह में कमी आई है और हद निगाह बेहतर हुई है, कुवैत से आने वाली परवाज J501 इस्लामाबाद उतार ली गई, लाहौर से कुवैत जाने वाली परवाज J502 7.5 घंटे ताखिर का शिकार, रनवे पर हद निगाह में कमी वाकई हुई है और ताखिर की वजह से परवाज को लाहौर की बजाय इस्लामाबाद से कुवैत भेजने का फैसला किया गया, मुसाफिरों को बजरिया बस इस्लामाबाद एयरपोर्ट भेजने का फैसला किया गया है। जी इरफान क्या कहेंगे आप, लाहौर समेत सुबह भर के 71,000 टीचर्स की असामियां खाली पड़ी हैं, फिर हम क्या तालीम और तरबियत की सीमल लाहौर में अगर आप फिगर देखें तो 4,000 के करीब सरकारी जो स्कूल्स हैं उस पे आप देखें कि इस खबर के मुताबिक 2,534 उसात जो हैं
वो तैनातियों के मुंतजर हैं। यानी कि आपके जो 4,000 स्कूल है पंजाब का, जो जिसको आप फेस कहते हैं लाहौर, उसमें अगर ये है सूरत हाल है, तो बाकी पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल पिछले डेढ़ होगी? साल से सरकारी स्कूल में कोई भर्ती नहीं हुई है। यही बात है कि आपने अब देखिए सरकारी जो कोई भी पोस्ट होती है तो उसका एक पैरामीटर्स होते हैं कि हर साल के अंदर हर माह में आपके सरकारी मुलाजमीन या रिटायर हो रहे हैं या तबई मौत उनकी शिकार हो रहे हैं। तो इसमें उनकी कमी को पूरा करने के लिए आप डेफिनेटली नफरी जो है वो बढ़ाते हैं, और अगर आप इरफान हम ये फिगर्स निकाल लें तैनातियाँ कि करते कितने हैं। लोग ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर हैं लेकिन बेरोजगार बैठे हैं, तो ये बैलेंस जो है इस गवर्नमेंट को क्रिएट करना होगा कि उनको सीमा, देखें आसामियां ये अमूर हुकूमत करनी आपसे है पहले कह तो चुकी है कि रोजगार सरकार फराहम की करें। तरफ नौकरी के लिए ना देखें, किसी चीज सरकार के के लिए भी ना पास देखें, ये सरकार आवाम के लिए फिलहाल तो कुछ करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे। नजर हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ दो नन्हे नन्हे स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाजन आज हमारे साथ स्टूडियो में दो नन्हे नन्हे प्यारे से बड़े ज़बरदस्त से बच्चे मौजूद हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं आजकल। उनकी गाने की वीडियो इतनी वायरल हुई, इतने लोगों ने पसंद किया और इतना ज़बरदस्त वो दोनों बच्चे इतने रिदम में एक साथ गा रहे थे। आपको पता है मैं किन की बात कर रही हूँ, जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामे मेरे पास तुम हो का OST जो है वो रिकॉर्ड कराया अपने स्कूल यूनिफॉर्म में, और उसके बाद वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया और फिर टीवी स्टार्स भी बन गए वो। मुख्तलिफ शोज़ में भी आपने उनसे मुलाकात की होगी। अभी जुगनैट 9 में भी एज अ गेस्ट वो मौजूद थे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आदम अब्बास और नौमान हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। ये येलो शर्ट में हमारे पास आदम है और पर्पल शर्ट में हमारे पास नौमान है। और नौमान आपसे स्टार्ट करूँगी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं आप? जी। अच्छा, कैसा लगता है जब हर कोई आपको पहचान लेता है, आप कहीं भी जाते हो तो, जैसे अभी सुबह में जब अपने मेकअप रूम में आई, मैं तैयार हो रही थी तो आप लोग गाना गा रहे थे, तो फौरन मैंने फ़ोन निकाला और आप लोगों की वीडियो बनाना शुरू की। कैसा लगता है? अजीब जी, खुशी होती है। खुशी होती है जी। कहाँ से कहाँ रहते हो आदम? आप कहाँ रहते हो? वो फैसलाबाद में। फैसलाबाद में? चेयर मत हिलाओ, गिर जाओगे आप, ऑलरेडी आपको ऐसे उठा के बिठाया था। अच्छा जी, आदम सेकेंड क्लास के स्टूडेंट हैं और नौमान 4, 5 क्लास के स्टूडेंट हैं। कजन्स हो आप दोनों आपस में? तो ये जो गाना आपका बड़ा वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, ये वीडियो किसने बनाई थी आदम? मेरे सर सैयद सुलमान हैदर ने। सर हैं आपके स्कूल के? सर हैं जी। तो आपने कहा था उनको कि हमारी वीडियो बनाए? उन्होंने कहा था, उन्होंने खुद ही बनाई। खुद ही बनाई थी। आप दोनों कब से गा रहे हो? हम 4 साल की उम्र से गा रहे हैं। आप 4 साल? आपकी उम्र अभी क्या है? 12 साल। और आप भी 4 साल? मैं भी 4 साल की उम्र से, मेरी उम्र है 10 साल। 10 साल के हो आप? ज्यादा छोटे लगते हो, 10 साल के लगते नहीं। अच्छा, दोनों एक साथ गा रहे हो जी बचपन से ही? जी, इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं? लहदा लहदा भी गा लेते हैं और इकट्ठे भी गा लेते हैं। इकट्ठे भी गा लेते हैं। अच्छा जी, मैं आपसे लाइव तो गाना सुनूंगी, लेकिन उससे पहले जो आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, मैं चाह रही हूँ कि हम वो दिखाएं और वो सुनें, और फिर आपको भी याद आएगा, आपको पता है ये कौन है। समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। जबरदस्त जी, और ये वो वीडियो है जो आपकी वायरल हो गई और आपको फिर लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। तो आदम ऐसा होता है लोग आपको पहचान के कहते हैं कि अच्छा ये तो वही है जो गाना गाता है जी, है ना, मजा आता है ना। तो फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? खान साहब उस्ताद राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान। और नौमान आपका? मेरा भी खान साहब उस्ताद राहत फतेह अली। उनके गाने सुनते हो आप जी? उनका कोई गाना हमें सुनाओगे दोनों मिलकर? कोई नया सुना दो, कोई भी सुना दो, मतलब ये तो हम इन पे सुन लेंगे, लेकिन कोई नया गाना सुना दो, कोई और एक अच्छा सा। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगे दा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगे दा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की
ना तेरे बाजू लगे दाजी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजू कल्लियां रह के रोंदे नैन ना माने, जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे, तू कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल दुनिया जान मेरी मैं तेनू समझ। जबरदस्त जबरदस्त आदम और नुमान, बहुत जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सीखते हो बाकायदा गाना? जी। किससे? मेरे पापा से। आपके पापा सिखाते हैं, वो भी सिंगर हैं? जी। तो प्रैक्टिस करते हो? जी। पढ़ाई मुतासर नहीं होती है? पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ हम गाना भी गाते हैं। आप बड़े होके क्या बनना है? पहले मैं इंजीनियर बनूंगी। इंजीनियर बनोगे और सिंगिंग कंटिन्यू रखोगे साथ साथ? और आदम आप क्या करोगे? मैं सिंगिंग करूंगा। सिंगर ही बनोगे? अरे जबरदस्त, वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी मजेदार चीज हो गई। लेकिन जाते जाते आपका मशहूर जो गाना हुआ ओएसटी मेरे पास तुम हो का, तो जरा वो भी थोड़ा सा सुना दो और फिर गाना सुनते सुनते ही हम ब्रेक ले लेंगे और हेडलाइंस की तरफ चलेंगे, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी आदम और नौमान। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रसमन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते तालुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजन इस सेगमेंट में हमारा टॉपिक आप सबका फेवरेट है और हम सबको कॉन्शियस कर देता है, परेशान कर देता है। कुछ इस किस्म का कमेंट जब कोई कह देता है, ओए मोटी लग रही हो, ओए वजन गेन कर ली है, ओए तुम मोटी हो गए हो, लड़का या लड़की किसी को भी ये कमेंट दिया जाए तो बड़ा कॉन्शियस कर देता है और फिर हमारी एक दौड़ शुरू हो जाती है कि पतले होना है, वजन कम करना है, या आप खुद सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमें हेल्दी रहना है, हेल्दी डाइट लेनी है, तो हमें अपना वजन कंट्रोल करना पड़ेगा। और दुनिया में ये बीमारी है ओबेसिटी, जो बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। तो मोटापा क्यों होता है, कैसे कम किया जाए और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं इसको कम करने के? और अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत मोटे हैं लेकिन जब पतले होते हैं तो फिर हमारी जिस्म बेढंगा हो जाता है, वो शेप जो प्रॉपर चाहिए होती है अच्छा लगने के लिए वो नहीं मैसर होती। तो उसके लिए मेडिकल साइंस ने क्या क्या तरक्की की है, इन तमाम प्रोसीजर्स पर हम बात करेंगे। और नॉर्मली भी कहा जाता है कि आपकी अगर डॉक्टर बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, बड़ी चुलबुली सी हो, तो आप वैसे ही 50% ठीक हो जाते हैं, मोटिवेटेड भी हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक क्यूट सी डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वेट लॉस काउंसलर भी हैं, डॉक्टर बिस्मा बिलाल, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। और टॉपिक हमारा थोड़ा काफ़ी, जिसे कहते हैं ना कि वास्ट है, जिस पर हम बहुत सी बात कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में यही करना चाहूँगी कि मोटापे का शिकार लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और एक्सट्रीम मेजर्स भी लेना शुरू हो जाते हैं वज़न कम करने के लिए। क्या कहेंगे आप मोटापे के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोटापे को ऐसे लेती हूँ कि ये एक बीमारी है और बहुत सी बीमारियों की जड़ है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल के मसले। तो इट्स नॉट समथिंग कि आपका सिर्फ एस्थेटिक कंसर्न है, जो सबसे पहले डॉक्टर का कंसर्न होता है पेशेंट की लाइफ, कि ऐसी कोई चीज़ जो उनके लाइफ का ख़तरा हो हमें पहले वो कंसर्न होता है। एस्थेटिक और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हम बात की बात आती है ना, क्योंकि जब आप मोटे होते हो, बॉडी शेमिंग होती है, आप अपना कॉन्फिडेंस लैक करते हो, आप जिंदगी की हर फील्ड पे एक स्टेप बैक जाते जाते हो और एक ये विशेष सर्कल बन जाता है, जिस वजह से आप डिप्रेशन का शिकार होकर मजीद खाते हो और मजीद खाने वजह से मजीद मोटे होते हो। तो
तो आपको जो मोटापा है इसको एक वास्त तरीके से लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सी बीमारी की एक डिप्रेशन की बीमारियों की जड़ है। यानी कि आप ये कह रहे हैं सारी है कि सिर्फ एस्थेटिकली इसको सोचना नहीं चाहिए कि आप अच्छे लगेंगे पतले होकर, आपको इसको अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू उसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो फिर साथ ही कुछ टिप्स भी बता दीजिए, बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए वज़न कम करना, अपने आप को इनबैलेंस रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सबसे बड़ी टिप देना चाहूँगी कि डोंट स्टार्व योर सेल्फ। लोग क्या करते हैं कि डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, जीरो डाइट जीरो फिगर, तो वो बिल्कुल मुंह बंद कर लेते हैं। फिर ऐसा होता है कि आप एक महीना तो चला लिया, दो महीने चला लिए, लेकिन यू कांट सस्टेन दिस डाइट फॉर लॉन्ग। फिर आपको अल्टीमेटली आप कोलैप्स कर जाते हो, एग्जॉस्ट कर जाते हो, फिर आप एग्रेसिव तरीके से वापस अपनी रूटीन पर चले जाते हो। तो व्हाट यू शुड डू, पहले से ज़्यादा वजन गेन कर लेते हो, ऐसे ही है। तो व्हाट यू शुड डू, ब्रिंग अ लाइफस्टाइल चेंज, चेंज योर हैबिट्स, बिकॉज लाइक ये दुनिया की रिसर्च भी है कि दुनिया के 10 कॉमन कैंसर्स में से 3 कैंसर्स आपके कम हो जाएंगे, उनके चांसेस कम हो जाएंगे होने के, अगर आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करते हो। लाइक आप अपने डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करो और सब्सट्रैक्ट करो। ऐड आपने क्या करना है, आपने जैसे नट्स हो गए, आजकल सर्दियों का मौसम है, नट्स आ रहे हैं, तो आप जो बीच में स्नैक टाइम में आप निकाल दें बिस्किट्स वगैरह, आप नट्स यूज़ करें। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो हेल्दी चीज़ें, जैसे कि रॉ फूड है, सैलड्स हैं, वो आप ऐड करो। और आप ज़िंदगी से जो निकालने वाली चीज़ें, आप शुगर को, रिफाइंड शुगर बिल्कुल ख़त्म कर दो। जैसे आप चाय पी रहे हो, आप शुगर फ्री ट्राई करो कि आप पियो। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड नहीं आपने लेने, और ऐसी चीज़ें आप ज़िंदगी से आप निकालना शुरू कर दोगे। तो आप अपने लाइफस्टाइल को बेसिक चेंज करो ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। एक हेल्दी तरीके से आपका वेट रिड्यूस होना चाहिए, ऐसे तरीके से नहीं कि आप कोलैप्स कर रहे हो और आपके अंदर मल्टी वाइटामिन्स की कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। ऐसे आपने नहीं करना, और ऐसे आपको सस्टेन कर सकते हैं। बैलेंस डाइट रखनी है, ठीक है, एक न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े लोग इस तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं जिसमें 16 आवर स्टार्वेशन है, या लिक्विड डाइट पर चले जाते हैं, बिल्कुल ही सॉलिड लेना छोड़ देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे सपोज आपने कहा 16 आवर्स डाइट, इस लाइक इंटरमीडियंट फास्टिंग कहते हैं, इंटरमीडियंट डाइट होती है। और इंटरमीडियंट डाइटिंग भी आप तब कर सकते हो जब आपको स्पेशली हार्मोनल इश्यूज ना हो, लाइक आप डायबिटीज़ हो तो आप नहीं कर सकते, नहीं लोगों कर को ये अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज हैं, तो फिर आप तब भी नहीं कर सकते। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग इज़ पर्टिकुलरली फॉर सम ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो सब पे अप्लाई नहीं होता। दूसरा, अगर आप लिक्विड्स पे चले जाते हैं, लोग क्या करते हैं, खाना नहीं खाएंगे, उसकी जगह शेक पी लेंगे कि हम भाई डाइटिंग कर लिए, शेक पी लिया। लेकिन आप एक टाइम में इतना ज़्यादा कैलोरी अपने अंदर ले रहे हो कि बॉडी को उसको डाइजेस्ट करके उसको यूटिलाइज करने का टाइम नहीं मिलता, और वो अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो फैट में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती हैं। तो देर शुड बी अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कि आपने कितना खाना है, कब खाना है, कितने वक्फे से खाना है, और इसको मैनेज कर लो ना, तो आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट। हाँ, मतलब आपको अपना लाइफस्टाइल रिफाइन कर ले तो आप बेहतर हो सकते हैं। अच्छा मेडिकली अब मुझे बताइएगा, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर साहिबा भी हैं, और स्किन प्लास्टिक सर्जन भी हैं जी, सो कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप इंस्टेंट एक जिसे कहते हैं कि रिलीफ ले सकते हैं ओबेसिटी या मोटापे से, और उसके बाद आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके उस पर कंटिन्यू और सस्टेन रह सकते हैं? हम इसको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव है वो है जिसमें कोई कट नहीं लगता, ठीक है, सुन्नी बेहोश नहीं करना पड़ता, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। हाँ जी, उसमें है क्रायोलाइपोलाइज है, इसके अलावा आजकल नया आया वार्म स्कल्पचर से कहते हैं, उसमें फैट फ्रीजिंग में तो उसको ठंडा करके फैट को तोड़ा जाता है, फिर बॉडी में लिम्फैटिक सिस्टम के जरिए वो निकल जाता है। लेकिन वार्म स्कल्पचर में उसको गर्म करके फिर निकाला जाता है बॉडी से और ख़ुद ही निकल जाता है। लेकिन ये है, ये टाइम टेकिंग है, 3 महीने लगते हैं कि नेचुरल प्रोसेस से निकलने में। और इसके अलावा जब हम इन्वेस्ट, लेकिन ये तो पर्टिकुलर पोर्शंस के लिए है, फॉर एग्जांपल किसी की डबल चिन है तो आप रिमूव करा सकते हो, किसी की लोअर बेली आउट है तो आप करा सकते हो। आर्म्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो अगर आपने डाइटिंग की है कम हो गया है तो वो आप उसको वहाँ से जो है वो ये ओवरऑल किसी भी बॉडी फैट की किसी भी पार्ट के लिए, क्योंकि ये इनके हैंड पीसेस डिफरेंट साइजेस के होते हैं, तो वो हर बॉडी पार्ट के लिहाज से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो सर्जिकल है उसमें देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, लाइक वी हैव लाइपोसक्शन, वी हैव एब्डोमिनोप्लास्टी, वी हैव बेरियाट्रिक सर्जरीज, लेकिन वो तब आती है जब आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स 40 क्रॉस कर गया, और गैस्ट्रिक स्लीविंग है, इसके अलावा बिलरी डाइवर्जन्स हैं हमारे पास, गैस्ट्रिक बेंडिंग है। लोग ज़्यादातर क्या ऑप्शंस ऑप्ट करते हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं?
मेरे पास जो ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो बेसिकली उनको थोड़ा सा ये जब डोमिनोप्लास्टी वगैरह तो बहुत ज़्यादा आपका कट आता है तो उसको तो वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं. सो दे ट्राई टू अवॉइड टेक द हेल्प ऑफ जैसे नॉन इन्वेसिव क्रायोलाइपोलाइसिस. व्हाट आई डू, मैं उनको पहले रिकमेंड करती हूँ कुछ अर्सा डाइट देती हूँ, डाइट चार्ट देती हूँ और उनको साथ एक्सरसाइजेज बताती हूँ, मतलब पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज जो वो घर में भी कर सकते हैं बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू दीज एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट फिजियोथेरेपी ऑल्सो. सो वो करते हैं, वो एक लिमिट में आते हैं, जैसे 40 BMI है तो वो थोड़ा 35 तक आ जाएं और मैं ट्राई करती हूँ मैं उनका नॉन इन्वेसिव तरीके से लाइपोसक्शन मैक्सिमम, ठीक है, या फिर क्रायोलाइपोलाइसिस या उससे करके उनका कम कर दूँ क्योंकि कट आना वो ऑब्वियसली एक पेनफुल प्रोसीजर है. प्रोसीजर से गुजरना लोग डरते हैं तो वो मैं उसको एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन भी उसको नहीं लाइक इतना करती, तो मैं चाहती हूँ कि वो एक नेचुरल तरीके से हमारे डाइट प्लान हमारे एक्सरसाइजेस फॉलो करके एक आ जाए लिमिट में जहाँ हम लोग नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स कर सकें, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है सेफ जोन में उनके लिए रहता है. बिल्कुल सही. और वैसे भी लोग अभी भी इसको नहीं समझते हैं कि मोटापा बीमारी है, तो लोग कभी भी मोटापे को कम कराने के लिए बहुत कम होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो ऑप्ट करें, अदरवाइज तो वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स को ही लाइक भी करते हैं और वो कहते हैं ज़्यादा सेटिंग्स करा लें. लेकिन ईजी भी होता है क्योंकि एक सेटिंग के बाद ऐसा नहीं होता कि आप यू आर ऑन बेड फॉर रेस्ट, आप अपना काम कंटिन्यू रख सकते हैं, आप सारी चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं. अच्छा, अब इसमें एक प्रोसीजर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और आई थिंक बहुत कम लोगों को इसका पता है कि जो लोग वज़न कम करते हैं नॉर्मली उनकी फैट्स या उनकी जो चर्बी है, जो चीज़ें चिकनाई है जिससे आप मोटापे का शिकार होते हैं, वो निकल जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आपकी स्किन लटक जाती है, वो चाहे फेस की है, वो चाहे आर्म्स की है, वो चाहे थाइस की है, वो बेली की है, उसको कैसे दोबारा इन शेप स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या ये प्रोसीजर ऐसा कोई अवेलेबल है. जी बिल्कुल, हम जब किसी का प्रोसीजर करते हैं तो फैट तो चली जाती है लेकिन स्किन तो ऑब्वियसली लटक जाएगी ऊपर से, स्किन तो नहीं ना ख़त्म हो सकती, तो उसके लिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी स्किन टाइटनिंग करते हैं विद सेशंस देते हैं और ताकि वो जो बॉडी प्रॉपर शेप वो चाहते हैं विद द स्किन स्टैटिक कंसर्न तो वो उनकी वो प्रॉपर आए. और अगर बहुत ज़्यादा स्किन लटक गई है, बहुत ज़्यादा हमने निकाल दिया, तो वो एक हम उसको प्रॉपर तरीके से सुन करके वो स्किन को इनसाइज भी कर सकते हैं. लेकिन आई प्रेफर कि आप रेडियो फ्रिक्वेंसी के कुछ सेशन से स्किन टाइटनिंग आ जाए, आप मुँह की हो, आपकी लोअर जो की हो, आपकी ये जो लोगों को बहुत कंसर्न है आजकल के जो जो लाइन है आपकी बहुत ज़्यादा डिफाइंड होनी चाहिए और वैसे अच्छी भी लगती है. मतलब अच्छे लगते हैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से. आजकल मेटाबॉलिज्म बहुत है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं एंड दे आर मोर कंसर्न के अपनी सेहत को लेके नहीं बट दे आर मोर अपने आउटलुक को लेकर के हम अच्छे लगे और हम प्यारे लगे, हमारी जॉ लाइन डिफाइंड होनी चाहिए. इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग दैट वुमेन कम टू मी है, वो कहती हैं कि हमारा रिश्ता रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो कह रहे थे हम मोटे हैं. बिल्कुल सही कह रही हैं. तो ये मुझे लगता है कि सोशली मॉरली हम एज अ कम्युनिटी हमारा फेलियर है कि हम हमारे पास इस तरह के डिप्रेशन में लोगों को भेज रहे हैं. तो बट इट्स ओके, आई थिंक ये प्रोसीजर्स कराने में कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा लगना सबका हक है और सबको लगना चाहिए भी. वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग एंड फॉर ऑल द टिप्स एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने मेरे व्यूवर्स को पहुंचाई. बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए. वेलकम बैक. और अब सेगमेंट शामिल करते हैं, सबसे पहले मोबाइल रेट्स. और मोबाइल है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A9 जिसकी कीमत है 79,999 rupees. Huawei P20 Pro 99,999 rupees. OPPO A5 29,999 rupees. Vivo V15 Pro 59,999 rupees. और अब बचत बाजार शामिल करेंगे. बचत बाजार में सबसे पहले सेल्स पर नजर डालते हैं जी. और हमारे पास सेल्स में मौसमी है जिसमें फ्लैट 30% तक आपको ऑफ मिलेगा. खादी पर आपको फ्लैट 50% तक ऑफ मिलेगा.
मुश्किल अहमद पर अप टू 70% तक ऑफ मिलेगा। और अगर आपको मेरी ये स्वेटशर्ट पसंद आ रही है जो कि आजकल के मौसम के लिए बहुत ही फेसिबल है और इस तरह की और बहुत सी वैरायटी आपको मिलेगी स्वीट 16 पर। स्वीट 16 विजिट कीजिएगा ऑनलाइन या इन स्टोर। बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन उनकी विंटर जो है वो इस वक्त मौजूद है। आगे बढ़ेंगे कारफोर अगर आप जा रहे हैं तो सैमसंग स्मार्ट LED 94,999 इसकी प्राइस है और प्रमोशन प्राइस है 89,990। आप 5,000 रुपीज़ बचा सकते हैं। फलक एक्सट्रीम प्राइस रिटेल प्राइस 1230, प्रमोशनल प्राइस 1049, 181 रुपीज बचा सकते हैं। और अब आज के भाव शामिल करेंगे। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताइएगा मंडी की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? अजी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कमी का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन जो सरकारी नेटनामा है अगर उसकी बात की जाए तो उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में सब्जियां फरोख्त नहीं की जा रही। अगर सबसे पहले टमाटर की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की नस्बत आज सरकारी नेटनामे पर टमाटर की कीमत में मज़ीद 4 रुपये फ़ी किलो की कमी जो है वो देखी जा रही है और टमाटर सरकारी नेटनामे और मॉडल बाज़ारों में 110 रुपये फ़ी किलो में जो है वो उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है। लेकिन अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में टमाटर आज भी 150 रुपये फ़ी किलो तक जो है फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि मंडियों में टमाटर जो है वो 120 रुपये से लेकर और 130 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से प्याज जो है वो 80 रुपये में फरोख्त हो रहा है, आलू जो है वो 50 से 60 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं, लहसुन की अगर बात की जाए तो लहसुन 240 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह से दीगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए जिसमें मटर की अगर बात की जाए तो मटर जो है वो 100 से 120 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं, गाजर 50 रुपये में फरोख्त की जा रही है, मूली जो है वो 20 से 30 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है, गोभी जो है वो 60 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इस तरह से बंद गोभी की अगर बात की जाए तो बंद गोभी 80 से 100 रुपये में फरोख्त की जा रही है, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी कमी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि सब्जियों कीमतों में कमी जो है वो खुश आइंद है, लेकिन जो सरकारी नेकनामा है उसके मुताबिक सब्जियों की फरोख को शहर भर में यकीनी बनाना हुकूमत की, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की और मार्केट कमेटी के अफसरान की जिम्मेदारी है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो कम से कम अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्जियों की फरोख्त को हर सूरत में यकीनी बनाए, जबकि दूसरी तरफ जो सब्जी फरोश हैं वो यही कहते नजर आते हैं कि जब तक मंडियों में कीमतों कंट्रोल नहीं किया जाएगा और वहाँ पे सब्जियों कीमतों को सब्जियों की फरोख जो है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक नहीं की जाएगी, उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में सब्जियां जो हैं वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं हो सकती। जबकि अगर आज ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो ब्रायलर की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ की नस्बत आज 4 रुपये फ़ी किलो की मज़ीद कमी देखी जा रही है और मुर्गी का गोश्त जो है वो 4 रुपये कमी के बाद 186 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि फार्मी अंडों की जैसे जैसे अब मौसम सर्द हो रहा है वैसे वैसे जो फार्मी अंडे हैं उसकी कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज फिर फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद फार्मी अंडे 120 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुँचे हैं। जी हसन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जेनिथ चौक पर नाजन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ आपको मिलेगा 978 में, बीफ कीमा है 1076। मटन आपको मिलेगा 1668 में और मटन कीमा जो है वो आपको मिलेगा 1956 में। रमन रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 126 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त 183 रुपये। अंडों की कीमतों की बात करें तो रिटेल से आपको मिलेंगे 125 रुपये, होलसेल पर 123 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 124 रुपये। और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह आप कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।